नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ का माहौल एकदम गर्म है। पुरानी पेंशन बहाली के नारों से और एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो के नारों से उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की सड़कें गूंज रही हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जो कि शायद रिटायर अपने आप को बता रहे हैं। ये जानते हैं कहाँ से आई हैं आप? मैं बलिया से आई हूँ। किस विभाग? शिक्षक विभाग से आई हूँ। रिटायर हो गई हूँ 2009 और आप पेंशन पाती हूँ। आप गिराने आई हूँ और आप लोगों को गिला करके रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। आप बलिया से कब, कल रात में आई, आज सुबह कैसे, किस साधन से आई हैं? बेटा मैं बलिया से आई हूँ, आज एक महीना हो गया। आप लोगों की इंतजारी में बैठे थे कब आप लोगों का जलूस निकले कि आप, मैं भी उसमें शामिल हूँ और आप लोगों को पेंशन दिलाने में सहायक बनूँ। अच्छा, पुरानी पेंशन जो आपको मिलती है और जो नई पेंशन वाली व्यवस्था है, उसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि आप लोगों को कम मिल रहा है, हमको अधिक मिल रहा है। आप लोगों का गुजर कैसे होगा, बुढ़ापे में क्या सहारा बनेगा, इसीलिए जो है मैं आई। क्या लगता है आपको कि पेंशन बुढ़ापे में सहारा है? बिल्कुल सहारा है। और बिना पेंशन का भैया कोई पूछेगा ही नहीं, एक रोटी देगा ही नहीं, इसलिए बच्चे भी हमारे नहीं देंगे। तो इसलिए जो है मैं सरकार से यही कहूँगी, हमको मिलती है तो हमारे बच्चों को भी मिले और बुढ़ापे में सहारा हो। आप इनके साथ में क्या लगता है कि एनपीएस निजीकरण होता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि पुरानी पेंशन अगर इतना ही बढ़िया है, नई पेंशन तो कहीं नहीं, हमारे विधायक 30 साल से ले रहे हैं, है ना। तो हम बस, हमें आप कुछ नहीं चाहिए, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या दे रहा है, हमें बस पुरानी पेंशन चाहिए। विधायक पेंशन लेते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? विधायक पेंशन लेते हैं तो वो अपने अपने फायदे के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उनको पुरानी पेंशन इतनी अच्छी है तो हम लोगों को भी देना चाहिए। रन फॉर ओपीएस से क्या मैसेज देना चाहती है सरकार को? सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग 3 दिन 4-4 वेतन लेते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी है, जो 30 साल 35 साल नौकरी करता है, उसके लिए पेंशन बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं और अब मातृशक्तियों का भी इसमें सम्मिलित होने लगा है और हम लोग पेंशन लेके ही रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप अयोध्या से आए, आपकी टोपी पर अयोध्या लिखा है। अयोध्या में राम राज्य की संकल्पना पूरी होती सरकार कहती ऐसा नजर आती है। अपने अपनी आपकी जो लड़ाई है उसकी पेंशन की संकल्पना कब पूरी होगी, कब राम राज्य आएगा? जब हम लोगों को, हमें सरकारी कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन सरकार दे देगी, तभी राम राज्य की संकल्पना हम सही मानेंगे। जो जय श्री राम।